मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। मेल का जो ओनर लोग है या कोई मेल रेंट में देता है पार्टी लोग के लिए, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ जब बारीकी से आप देखोगे आपको मालूम पड़ेगा। अगर हम सही ढंग से मतलब बराबर देख के नहीं लेंगे मेल रेंट में तो अपने लिए घाटे की सौदा हो सकता है। इसीलिए ये मेल कोई मतलब रेंट पे लेने से पहले क्या क्या चीज़ का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए आज हम बताने जा रहे हैं। और वो टॉपिक का नाम रहेगा क्राइटेरिया फॉर रेंटेड मिल। जब स्पिनिंग मिल कोई रेंट में लेते उसके लिए क्या क्या अपन को नियम वगैरह देखना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा और कैसे कैसे इसको सेट करना पड़ेगा उसके लिए बताने जा रहे हैं। और वीडियो चालू करने से पहले से मैं आपको एक चीज़ और एक बढ़िया चीज़ बताना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल का मतलब ज्वाइनिंग कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। और आजकल अपन एक नया सीरीज चालू किए, इंटरव्यू सीरीज, मतलब जितना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया पोजीशन में है उन लोग का इंटरव्यू लेंगे और आप लोग को शेयर करेंगे। और अपना जो मकसद है हर फील्ड में आदमी इसमें जुड़ेंगे, मतलब देखो कोई ग्रे कटन स्पिनिंग का रहेगा, कोई मिलाज कटन रहेगा, कोई पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर का रहेगा, कोई स्लब यार्न बनाता है वो भी रहेगा, जो यूनिट हेड है मतलब कम से कम वीपी जीएम लेवल का लोग या प्रेसिडेंट लेवल का लोग वो लोग रहेंगे। और एजुकेशन लाइन का भी कोई सीनियर रिटायर्ड प्रिंसिपल है, एचओडी है, वो सब लोग भी रहेंगे। और ये आप लोग का जितना रिस्पॉन्ड आएगा, जितना बढ़िया व्यू आएगा, ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। और हमें उम्मीद है ये जो सीरीज है बहुत बढ़िया लगेगा आप लोग को, आप लोग को नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, और रेंट मिल के बारे में आपको बता दूँ क्या होता है। जैसे कोई नया मिल लगाता है, नया मिल लगाता है तो 8-10 साल तो चला लेते हैं आराम से, क्योंकि मशीन कंडीशन अच्छा रहता है, प्रोडक्शन आता है, सब कुछ होता है। और उसमें जब मिल लगाते हैं जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी वगैरह रहता है वो भी इनको मिल जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, इनका दिक्कत जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है या मिसमैनेजमेंट होता है तो चला नहीं पाते। जैसे कि अपना कहावत है ना हिंदुस्तान में, जैसे कोई देखना कोई कोई लड़का क्या करता है, दहेज में गाड़ी खरीद लेता है, फिर 1-2 साल चलाता है और वो पैसा नहीं मिलता पेट्रोल डालने के लिए, फिर इसको बेच देता है। ऐसे ही ये समझ लीजिए, ऐसे ही एग्जाम्पल है। तो मिल 8-10 साल चलाने के बाद वो चलाने के लायक नहीं रहते और वो किराए पे दे देते। और देखिए सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन मस्ट टेक्सटाइल मार्केट, जहाँ पे आप मिल रेंट पे लेने जा रहे हो टेक्सटाइल मार्केट के एरिया होना चाहिए। समझ लो महाराष्ट्र जोन में है या गुजरात में है या मतलब राजस्थान एरिया में है या हरियाणा में है, जहाँ पे टेक्सटाइल बेल्ट है, जहाँ पे आपकी रॉ मटेरियल खपत हो सकता है, मतलब आपकी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट खपत हो सकता है, रॉ मटेरियल भी आसान से मिलेगा, ऐसे जगह लेगा। समझ लो आपने मिल ले लिया एक मतलब कहीं उत्तराखंड में ले लिया या कहीं अरुणाचल प्रदेश में ले लिया, तो वहाँ ले लोगे तो आपको क्या कोई फ़ायदा नहीं होगा, रॉ मटेरियल वहाँ मंगाओगे, बेचने के लिए भी इधर आओगे। तो वो कुल मिला के लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट एरिया, लोकेशन टेक्सटाइल बेल्ट के एरिया में होना चाहिए। स्टॉप पीरियड इन मंथ और ईयर्स, कितने दिन से बंद पड़ी है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं 4-5 साल से बंद पड़ा है तो फिर इसमें आपको मेंटेनेंस खर्चा बहुत लग जाएगा, तो वो भी देखना जरूरी है। अगर 4-5 पहले से बंद है तो आपके उस हिसाब से रेंट भी कम देना, आप ज़्यादा रेंट नहीं देना क्योंकि आपको मेंटेनेंस में बहुत खर्चा लग जाएगा।
तो कितना दिन से बंद पड़ी वो भी देखना जरूरी है। योर एबिलिटी एंड मार्केटिंग, जो रेंट मिलेगा वो कम से कम मार्केटिंग लाइन में उसका अच्छा होल्ड होनी चाहिए। समझ लो मैं रेंट में लिया, मेरे को कटन यानी बेचने में माहिर है, हम बहुत बढ़िया बेच सकते, तो कटन के हिसाब से मिल देखें। समझ लो दूसरा कोई आदमी है, इसको सिंथेटिक धागा बेचने में माहिर है, तो सिंथेटिक मिल के हिसाब से लो मशीनरी और प्लांट सिलेक्ट करो। कोई कोर्स काउंट, कोई फाइन काउंट, सारी चीज़ नज़र रख के आपको मिल लेना पड़ेगा। उसके बाद देखो कार्ड वायर टाइप वन मशीन, कार्ड वायर टाइप वन मशीन मतलब देखो कार्ड वायर रहता है, एक कटन का वायर रहता है जिसमें PPSI ज़्यादा रहता है, और कम PPSI वाला रहता है सिंथेटिक वाला के लिए, और मिलान वगैरह चलाओगे तो उसका 20 का ले लोगे चल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, कार्ड वायर टाइप भी पता करना जरूरी है, ये मिल पहले कटन में था या पॉलिएस्टर में था, कौन सा वायर लगा उसको आप जरूर चेक करिए। और उसके बाद देखो कार्ड वायर कंडीशन, कार्ड वायर कंडीशन मतलब समझ लो कार्ड वायर का अपन 4 साल 5 साल का ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ लेते हैं, अगर कोर्स काउंट चलाते हैं 3.5 साल 4 साल में पूरा हो जाता है, तो उस हिसाब से कार्ड वायर कंडीशन भी देखना। ऐसा तो नहीं कि आपने एक प्लांट लिया उसमें 20 कार्ड 20 में से 15 कार्ड डैमेज है, मतलब वायर ख़राब हो चुका है, 15 कार्ड आप अगर माउंटिंग करोगे आपको कम से कम 25 लाख लग जाएगा, तो ऐसे केस में हाथ नहीं डालना। तो कार्ड वायर का कंडीशन सबसे पहले चेक करना, ये क्या मेजर कैपिटल खर्चा में आ जाता है। उसके बाद देखो वेदर ओजे सर सैलरी पेंडिंग, जो जैसे अपने समझ लो 6 महीने से बंद है, वो उसे पहले का जो पेमेंट है, कारीगर का पेमेंट है, स्टाफ का सैलरी है, वो सब ड्यू तो नहीं है, मतलब पेंडिंग तो नहीं, वो सब क्लियर होना चाहिए तब जाके लेना। वेदर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग या नट, इलेक्ट्रिसिटी का अगर बिल अगर पेंडिंग होगा वो भी क्लियर करके लेना। बिल्कुल बंद मिल में जैसे बिजली का बिल समझ लो 1 करोड़ भरना है, आप लेके क्या करोगे अगर बिल भरते भरते आपकी उम्र चला जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक बिल भी भरा हुआ होनी चाहिए। नहीं भरा हुआ तो मालिक को बोलना, जहाँ से एग्रीमेंट करोगे बोलोगे आप भर के बिजली कनेक्शन दे के दो हमको। ओवरऑल मशीन मेंटेनेंस कंडीशन, मेंटेनेंस कंडीशन मशीन का जो चाहे 10 साल पुराना हो लेकिन मेंटेनेंस अगर पहले से बढ़िया से हुआ होगा तब जाके आपकी फ़ायदा होगा। समझ लो नई मशीन है, मेंटेनेंस हुआ नहीं बराबर, तो वो सब चीज़ क्या काम आएगा, चालू करते ही तुरंत टूट फूट हो जाएगा, ब्रेकडाउन होता रहेगा, ब्रेकडाउन में आपके बहुत लॉसेज हो जाएगा। मेंटेनेंस बढ़िया से रहे तो ठीक रहेगा। स्टोर इन्वेंटरी स्टॉक पोजीशन, जैसे स्पिनिंग यूनिट कोई लिया, स्टोर में क्या क्या सामान है आपकी लाइक, कौन सा सामान पड़ा है यूज हो सकता है, वो भी सब चेक करके उसका लिस्ट बना के रख लीजिए। और वो जो स्टोर इन्वेंटरी है, कोई कोई कंपनी वाला बोलता है हम अपना स्टोर ताला मार कर रखते हैं, आप अपना खरीद के चलाओ, कोई कोई बोलता है नहीं अपना स्टोर में जो पुराना माल पड़ा वो यूज कर लो, तो आप एग्रीमेंट टाइम में वो सब चीज़ लिस्ट बना लोगे तो यूज करने देता है नहीं देता है तो देख लेगा। अगर स्टॉक अच्छा रहेगा तो बढ़िया है। रिंग डाया रिंग लिफ्ट, ये क्या काम आता है, समझ लो आपने पूरा फाइन काउंट चलाना चाहते हो, वो रिंग डाया 51 mm 48 mm, तो क्या काम आएगा, तो आप समझ लो कोर्स काउंट चला रहे हो तो 51 mm 48 mm काम आएगा, तो आप कौन सा काउंट पैटर्न चलाना चाहते हो उसी हिसाब से रिंग का डाया है क्या, रिंग का लिफ्ट है क्या, वो सब चीज़ भी चेक करके रखना आपको। उसके बाद देखो कंप्रेसर एंड RH प्लांट कंडीशन, कोई कोई मिल क्या होता है 8-10 साल मिल चला लेता है, RH प्लांट मेंटेन नहीं रखता, कहीं डंपर टूटा है, कहीं पंप ख़राब है, कहीं सप्लाई यान का पंखा ख़राब है, सब तकलीफ में रहते हैं। तो अगर आप कहीं प्लांट लेते हो कंप्रेसर बराबर है या नहीं है, और उसमें RH प्लांट का कंडीशन ज़रूर देखना, RH प्लांट भी मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, आपका खर्चा नहीं पूरा होगा। वेदर बैंक लोन ड्यू और नट, ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ लो कोई कोई आदमी मिल लगा बैंक का कर्जा बाकी है, तो ऐसा नहीं कि कर्जा बाकी है तो आपको देना पड़े,
तो बैंक का कर्जा भी पहले वाला ओनर को बोल के इसको क्लियर करना ज़रूरी है। बैंक लोन होगा तो उसको लेने में पूरा आएगा नहीं आपको। एग्जिस्टिंग वर्कर्स पोजीशन ऑन मस्टर रोड, समझ लो आपके 20,000 स्पिंडल का मिल है, आपको एग्जांपल के लिए बोलो आपको 200 वर्कर चाहिए समझ लो पर डे, तो उस हिसाब से 200 वर्कर है क्या? पुराना वर्कर जो है वो लिस्ट बनाने का, अगर 200 वर्कर नहीं है तो कितने वर्कर चाहिए उतना आप रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो मस्टर स्ट्रेंथ जरूर चेक करना कितना अपने पास मैन पावर अवेलेबल है और अपन को कितना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिल 20,000 स्पिंडल का एक भी आदमी नहीं है तो आप लीज भी ले लोगे, रेंट भी ले लोगे, आदमी पूरा जोड़ते जोड़ते आपको 6 महीना लग जाएगा। आजकल दुनिया में सब मिल जाता है तो स्पिनिंग मिल में वर्कर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में मस्टर चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसका पास देखो एग्जिस्टिंग स्टाफ पोजिशन और मस्टर रोल। स्टाफ रोल में जो होता है कौन कौन है, कितना आदमी है, क्या क्या इनका सैलरी स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ आपको पता करना पड़ेगा तब जाके बढ़ेगा। एग्रीमेंट ऑन बॉन्ड पेपर्स आर्ट लिस्ट 5 ईयर्स, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे भी आप प्लांट लेते हो रेंट में, एग्रीमेंट करना स्टाम्प पेपर में, इसमें कम से कम 5 साल का रखना, 5 साल से कभी कम नहीं रखना। और उसमें कोई कोई तो मैंने देखा 15 साल 20 साल भी ले लेता है, ताकि लंबी टाइम के लिए लेगा तो वो खर्चा करेगा। तो अभी समझ लो 1-2 साल खर्चा किया तो इसको पैसा निकालने में इसको टाइम रहेगा, भले समझ लो 2-3 साल खर्चा किया 20 साल तक चलाएगा तो उसका पैसा वसूल हो जाएगा। अगर कम दिन लेता है तो दिक्कत जाएगा। फाइनल द रेंट ऑन बॉन्ड पेपर, जो स्टाम्प पेपर में आप एग्रीमेंट करोगे रेंट के बारे में क्लियर लिखना कि हम इतना लाख रुपया पर मंथ देंगे, क्लियर लिखना, उसमें कोई मतलब गड़बड़ नहीं रखना इस टाइम में। अच्छा, ऑथोरिटी टू ब्रेक एग्रीमेंट ओनली पार्टी, पार्टी जो रेंट में लेगा उसी का पास अथॉरिटी रहेगा एग्रीमेंट कब तोड़ना है और क्या करना। क्योंकि आजकल क्या होता है, मिल वाले क्या करते हैं, रेंट वाले को दे देते हैं मिल, और उसने बेचारा बहुत खर्चा किया, 2-3 साल बढ़िया खर्चा किया मशीन सुधारने के लिए, मिल चलाने के लिए, बाद में 4 साल के बाद बोलेगा, 3 साल के बाद जो पहले वाला ओनर बोलेगा अरे आप चला नहीं पाते बराबर, आप छोड़ो वो आपकी बस की बात नहीं, हम दूसरा आदमी देंगे, वो भगा देता है इसको। ये गलत है, ऐसे करने से क्या होता है जो बेचारा रेंट में लिया उसको बहुत मतलब लॉस होता है। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन है, जो भी मिल रेंट में लेगा, जो लेगा उसी का पास अथॉरिटी रहेगा कब छोड़ना है, मालिक के पास नहीं रखना। मालिक के पास रखोगे तो रेंट वाला कभी फायदा में नहीं रहेगा। उसके बाद देखो नो इंटरफेयर इन द मिल या प्रीवियस ओनर, पहले वाला जो ओनर है जैसे रेंट में दे दिया उसको मिल गेट का अंदर कुछ भी काम नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, मिल का अंदर कोई इंटरफेयर नहीं, कोई भी मतलब चीज़ में उसमें दखल अंदाजी पसंद नहीं है। वो पार्टी लेगा वही देखेगा, उसमें इंटरफेयर पूरा जीरो कर रहा है इसको। इफ एनी लीगल केसेस पेंडिंग आर नॉट, लीगल केसेस क्या है देखो, समझ लो कोई आदमी का हाथ कट गया था, उंगली कट गया था, उसको पैसा देनी पड़ती, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोई वर्कर केस किया कि मेरा इतना दिन का पैसा नहीं बढ़ा, मेरे को भगा दिया, मेरे को इतना कंपेंसेशन दो, तो ये सब मैटर में नहीं पड़ना। ये सब लीगल केस जो होता है ना वो मिल वाले को देखने देना, आप लोग जो रेंट में लेगा इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना। उसके बाद देखो वर्कर का जो पीएफ और ईएसआई, वो भी जितना दिन तक चला उतना दिन तक भरा हुआ क्या? ऐसा तो नहीं कि मिल चल रहा है और एम्प्लॉई से पैसे काट रहा है, अपना शेयर जमा नहीं करता, उनका भी जमा नहीं करता, वो ड्यू हो गया, वो दिक्कत जाएगा। ये सब चीज़ क्लियर करके देखना, ईपीएफ ईएसआई भरा हुआ नहीं भरा हुआ। नो रिक्स फॉर ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी एक मैटर है, जैसे 5 साल होने पर दिया जाता है, जैसे आप लीज पे ले रहे हो तो वो ग्रेचुइटी वाला मामला में पढ़ना नहीं,
क्योंकि समझ लो आपकी मिल 8 साल हो गया चल रहा है, 10 साल हो गया चल रहा है, बहुत सारे लोग का ग्रेचुटी ड्यू होगा, वो बोलेंगे हम रिजाइन देंगे हमको पैसा दो, वो सब मैटर में आपको पढ़ना नहीं, ग्रेचुटी आपका कोई रोल नहीं है, वो पहले वाला मालिक देखेगा। रिवाइज वेजेस स्ट्रक्चर इफ नॉट सुइटेबल, देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो आप रेंट लेने से पहले 12 घंटे का कारीगर को मिलता है 600 रुपया, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 600 रुपया मिल रहा है, लेकिन आप जो माल चलाओगे तो आपको अगर 600 रुपया में इतना समझ लो 200 आदमी लगते पर डे में, तो जितना कॉस्टिंग बैठेगा आपको उसमें प्रॉफिट होगा क्या वो देखने का। अगर 600 रुपया नहीं है आप इसको क्या करोगे, वर्कर लोग को समझा के इसको 500 या 550 में पहले चालू करने का समझा के बोला, देखो मिल बंद पड़ी, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तुम लोग को, मैं मिल चला रहा हूँ और मेरे को 600 रुपया में पुराएगा नहीं, मैं तो 500 रुपया दूंगा 12 घंटे का या 550 रुपया दूंगा, जो भी आप डिसाइड करोगे, और उतना में आप चालू करना है तो करो, नहीं तो मैं नया वर्कर लूँगा बाहर से लूँगा, नहीं तो आप इसमें करोगे तो उम्मीद रखो मेरा ऊपर 1 साल के बाद मैं पैसा बढ़ाऊँगा थोड़ा थोड़ा करके आपको कवर करा दूँगा। तो उसमें वर्कर मान गए ठीक है, नहीं माने तो बाहर से लड़ा। तो सैलरी स्ट्रक्चर आपके पास अथॉरिटी रहेगा चेंज करने का, क्योंकि आप रेंट में ले रहे हो आपको सारी पैसा वसूल होना चाहिए, वसूल नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ्स एज पर पार्टी, पार्टी चाहे तो अपना जो स्टाफ है जैसे जीएम है, प्रोडक्शन मैनेजर है, मेंटेनेंस मैनेजर, एसक्यूसी का हेड है, सुपरवाइजर और सिक्योरिटी वगैरह, जो भी अपना स्टाफ आप खुद ले सकते हो, पहले वाला स्टाफ जो आपको पसंद है देख लो, काम देख लो महीना दो महीना, जो पसंद है रखना, नहीं पसंद है अपने हिसाब से लेना। उसके बाद देखो इफ रेंट ऑन क्वांटिटी बेसिस कीप शार्प आइज ऑन क्वालिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखो। कोई कोई पार्टी एग्रीमेंट करता है कि हम अगर 9 टन आया पर टन इतना पैसा देंगे, पर केजी इतना पैसा देंगे, या 10 टन आया तो इतना पैसा देंगे, कहीं कहीं क्वांटिटी के ऊपर भी एग्रीमेंट होता है। उस केस में क्या करना, मिल वाला चाहेंगे कि प्रोडक्शन ज़्यादा आए, क्वालिटी का कभी ध्यान नहीं देंगे, जो पहले वाला मिल वाले होते हैं वो वर्कर लोग को भड़काएंगे, अरे बढ़ा बढ़ा के स्पीड चला, प्रोडक्शन ज़्यादा आ, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उस केस में जो पार्टी रेंट मिलेगा वो खाली क्वालिटी के ऊपर ध्यान देगा, अगर क्वालिटी ध्यान नहीं देगा वो क्या करेगा, धागा बढ़ा बढ़ा के गोडाउन में थप्पी लगता रहेगा, सेल नहीं हो पाएगा। तो अगर क्वांटिटी बेसिस में आपकी रेंट दे रहे हो तो क्वालिटी में जो रेंट मिलेगा मिल उसको करना पड़ेगा। उसके बाद देखो कीप सफिशियंट रॉ मटेरियल्स, आप कितना मिल चला रहे हो, कितना प्रोडक्शन आ रहा है, वो रेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए रॉ मटेरियल आपको सफिशियंट रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रॉफिट में आएगा मिल। समझ लो 2 दिन मिल चला, तीसरा दिन कटन ही नहीं है, फाइबर ही नहीं है, तो चलाओगे क्या, तो मिल बन जाएगा, मिल बन जाएगा तो आपके किराया थोड़ी घटेगा, किराया तो उतना देनी है। तो रॉ मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा स्टक करके रखिएगा। कीप सेपरेटली ओल्ड स्टक मटेरियल्स, जो पहले वाला जो माल बना हुआ पुराना टाइम का वो मटेरियल सब साइड करके रख लीजिए, नहीं तो पुराना मैनेजमेंट को बोलिए इसको हटा लीजिए, तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी, इसको बिल्कुल क्लियर करके रख दीजिए, ये मटेरियल हटा लीजिए। उसके बाद देखो चेक हाउ मेनी मशीन्स रिंग ओवरड्यू, मतलब समझ लो एक रिंग फ्रेम कोर्स काउंट चलता है 3 साल 3.5 साल से रिंग खराब होता है, या सिंथेटिक चलता है 2.5-3 साल से खराब हो जाता है, सिंथेटिक डायड चलता है और कम दिन में खराब हो जाए, समझ लो फाइन काउंट चला रहो, सुपर फाइन काउंट 100 काउंट 80 काउंट, वो 6-7 साल तक भी चला जाता है। रिंग ओवरड्यू का मतलब रिंग अगर घिस गया खराब हो गया तो आपको नई रिंग लेनी पड़ेगी, उस केस में आप पर्टिकुलर हर मशीन का रिंग कब लगा था, कितना साल चला, डिटेल इसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। रिंग ओवरड्यू होना बहुत मुसीबत पड़ जाएगा, बाद में आपकी वर्किंग नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, तो
कम से कम समझ लो 20 मशीन में अगर एका दुक्का रिंग खराब है वो चल जाएगा, समझ लो 20 मशीन से आपकी 15 मशीन खराब निकल गया, रिंग ड्यू है, तो आप चलाओगे क्या? तो इसीलिए ये सब चीज़ का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पीपल टेकिंग ऑन रेंट विजिट विथ ए सीनियर टेक्निकल पर्सन टू ऑडिट ऑल मशीन्स, आप मशीनरी का कंडीशन वगैरह देखने के लिए रेंट लेने से पहले एक सीनियर टेक्निकल लोग जो पूरा बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, वो खास करके मेंटेनेंस साइट्स में अच्छा नॉलेज होगा, ऐसे आदमी को अब ले कर जाना है साथ में ऑडिट करने के लिए मशीन का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेदर अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स कॉलोनी आर नट, समझ लो आपने वर्कर तो लगा दिया लेकिन कॉलोनी नहीं रहने के लिए, आदमी दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए बस लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तामझाम करो, वो सब बहुत बीमारी होता है। स्पिनिंग मिल में अगर जिसका जिस मिल में कॉलोनी है वर्कर के लिए, वो मिल हमेशा बढ़िया चलता है। जहाँ पे आदमी बाहर से आते हैं 30 किलोमीटर दूर से 50 किलोमीटर दूर से, वो मिल चलने में बड़ा मुश्किल जाता है। आज बारिश हुआ आए नहीं, आज भारत बंद है आए नहीं, तो अलग अलग चीज़ कारण बना के लोग रह जाते घर पे, बहाना ढूंढते, नहीं आएंगे आप क्या करोगे, तो कॉलोनी होना ज़रूरी है। उसके बाद देखो रिक्रूट मैन पावर टू रन होल मशीन्स, आपके बताया ना जैसे आपके 200 आदमी चाहिए, समझ लो एक दिन में आपके पास 150 आदमी है और 50 आदमी का आप रिक्रूटमेंट कर दीजिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं करोगे आपकी पूरा मशीन चल नहीं पाएगा और रेंट आपकी वसूल नहीं होगा। यू मे टेक प्रायर परमिशन टू ऐड मशीन्स, ये चीज़ है एग्रीमेंट में क्लियर लिखने का, आप कभी कभी नई मशीन लगा सकते हो, दूसरा मशीन लगा सकते हो। समझ लो आपने मतलब मशीन लिया ड्रप है में बिल्कुल ख़राब है, प्रोडक्शन नहीं देता, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, नया मशीन लगाना पड़ेगा, या कहीं पुराना अच्छा कंडीशन वाला मशीन लगाना पड़ेगा, वो एग्रीमेंट में क्लियर लिखना। जब ज़रूरत पड़ेगा हम मशीन कोई भी चेंज कर सकते अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप अगर एक जगह दिक्कत गया तो पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए, आपकी प्रोडक्शन वगैरह नहीं आ पाएगा, ये पहले से एग्रीमेंट करके रखना, नहीं तो दिक्कत जाएगा। डिपॉजिट अमाउंट रिफंडेबल मस्ट क्लियर ऑन एग्रीमेंट पेपर, एक मिल जब लेने जाते हो, समझ लो 10,000 स्पिंडल का मशीन आप लेने जा रहे हो, उसमें वो पहले वाला ओनर जो है वो डिपॉजिट अमाउंट मांगता है, समझ लो 20 लाख अपने पास जमा रहेगा, आप जब लीज ख़त्म होगा या रेंट का एग्रीमेंट ख़त्म होगा वो 20 लाख आपको दिया जाएगा, तो वो जो डिपॉजिट अमाउंट है बॉन्ड पेपर में स्टम्प पेपर में ज़रूर लिख के रखना, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे एग्रीमेंट तोड़ने का टाइम में। ड्यूरिंग बॉन्ड पीरियड नो हाइक इन रेंट, ये भी क्लियर लिख के रखने का, अपना बॉन्ड पीरियड में समझ लो 5 साल में आपने लीज लिया, कोई भी रेंट में बढ़ोतरी नहीं होगा, मतलब पर मंथ हम 6 लाख देना है तो 6 लाख ही देंगे, उसे 6 लाख 1 रुपया भी नहीं होगा, वो क्लियर लिख के रखने का, रेंट में कोई भी बढ़ा नहीं सकता। उसके बाद देखो प्रोडक्टिविटी यूटिलाइजेशन आइडल स्पिंडल्स मस्ट अचीव्ड ऑन डेली बेसिस, मशीन का प्रोडक्टिविटी हर क्षेत्र का और यूटिलाइजेशन फुल और आइडल स्पिंडल कम से कम, ये सब चीज़ डेली कंट्रोल में रखने का बिल्कुल। और वेस्ट जनरेशन मस्ट कंट्रोल, वेस्ट जनरेशन समझ लो आपकी मशीन चला रहे हो आपकी वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो वेस्ट ज़्यादा निकल जाएगा तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, सब प्रकार का लॉसेस होगा, तो वेस्ट जनरेशन के ऊपर भी बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट देखो वेजेस सैलरी रेंट इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट ऑन टाइम, ये चीज़ ध्यान रखना, वेजेस कारीगर का पगार, सैलरी और कंपनी को जो रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओ पी एफ ESIB सबका डेट फिक्स करके रखना, और डेट के हिसाब से इसको मेंटेन करके रखना, ताकि किसी को दिक्कत ना जाए। एक बार पेमेंट वगैरह का इशू आ जाता है ना, फिर वो हड़ताल होना, बंद होना, ये होना, फिर आपको कुल मिला के आप शांति से मिल नहीं चला पाओगे। समझ लो कारीगर पेमेंट आपको 7 तारीख को करना है, तो एग्रीमेंट में लिख कर दीजिए हम 7 तारीख तक कारीगर का पेमेंट कर देंगे, स्टाफ का पेमेंट समझ लो 4 तारीख करेंगे या 5 तारीख करेंगे, वो लिखित में दे दीजिए,
रेंट महीने का कौन सा तारीख में जमा करेंगे वो भी दे दीजिए, इलेक्ट्रिक बिल जब आएगा तुरंत भर देंगे हम, ये भी बता दीजिए। पीएफ ईएसआई का जो डेट रहता है उसी डेट में भर जाना चाहिए। ये जो मेंटेन रखेगा, मतलब फेयर डील जो करके रखेगा, वही मिल चला पाएगा। और आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।